हेलो, आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टडी करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसका बी पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये किस मतलब इंटरवल निकालने हैं और साथ में डिसाइड करना है किस पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सलूशन इस टाइप से करेंगे, राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके बाद हम जो डेरिवेटिव आएगा उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा और हम इंटरवल बनाएंगे। फिर इंटरवल पर हम साइन ऑफ डेरिवेटिव चेक करेंगे कि डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है और उससे डिसाइड करेंगे किस इंटरवल पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो देखिए, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई 6x² हो गया माइनस के 6x - 36 और ये कॉन्स्टेंट है, ये जीरो ही होता है, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 6, तो x² - x - 6। नाउ फैक्टराइज इट, इसको इसके फैक्टर बनाइए, ये 6 आएगा और ये बन जाएगा 2 और 3, इन 6 होते हैं माइनस के, ठीक है। तो x - 3 ये x + 2, ये फैक्टर सभी को बनाने आते होंगे, ये आ गया, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करें, पुट एफ डैश एक्स जीरो, तो इट इम्प्लाई ये बन जाएगा 6x - 3x × x + 2 इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, उधर जाएगा कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर, तो एक्स इज इक्वल टू 3 और यहाँ से एक जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो -2। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2 और 3, ठीक है कि नहीं। ये क्रिटिकल पॉइंट्स ये होते हैं जिससे ये दो पार्ट में डिवाइड करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, ठीक है। आप नंबर लाइन ऐसे बना लीजिए, आसान रहेगा, ये 0 है, ये कहीं पर लिख लो -2 है, ये 3 है और यहाँ से इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये -∞। तो आप इस में इंटरवल देखिए कितने इंटरवल बन गए, -∞ से 2 तक का हो जाएगा और -2 से 3 तक का, इनके बीच का 3 to ∞, ठीक है कि नहीं। तो इंटरवल्स आर, एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, इंटरवल्स आर -∞ है -2। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये वो नेगेटिव क्वांटिटी के द्वारा अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए -2 से 0 कर सकते हैं और 0 से 3 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। और जब सेम आ जाए तो इकट्ठा आप लिख भी सकते हैं, चलो मैं भी बना देता हूँ -2 to 0, क्योंकि इनके बीच में 0 आ गया, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, 0 to 3 और 3 to ∞, लो ये इंटरवल बन गए। अब डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, ठीक है। अच्छा, व्हेन एक्स बिलोंग टू -∞ से -2, इनमें हम ले लेते हैं, तो साइन ऑफ डेरिवेटिव एफ ओ पर यह आ जाएगा। और आपने
डेरिवेटिव तो हमने ये निकाल रखा, यहाँ नहीं है, चेक करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसके फैक्टर वाले पोर्शन में, ये जो फैक्टर है इस में चेक करें, ये सबसे आसान होता है। ये देखो सिक्स तो पॉजिटिव है ही है, ये पॉजिटिव लिख दो, और जब मैं इसमें माइनस टू से इधर माइनस थ्री आएगा, आप ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इधर आप पुट करके देखिए, कोई भी स्लाइटली इसमें पुट करें, जैसे माइनस टू है तो यहाँ कोई से थोड़ा नंबर आप पुट करेंगे कोई भी, तो क्या होगा ये, आप जैसे माइनस फोर, ये माइनस का ही रह जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस है, क्योंकि माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस ही हो गया। और अब यहाँ पर भी आप माइनस पुट करेंगे तो अगेन ये भी माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो साइन ऑफ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इन इंटरवल इसमें एन माइनस इन्फिनिटी है माइनस टू में इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब दोबारा से ये इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, या चलो मैं दोनों को अलग अलग करके यहीं बता देता हूँ, और यहाँ लिख सकते हैं व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस टू टू थ्री, ठीक है कि नहीं। तो साइन ऑफ डेरिवेटिव वही करें, सिक्स तो पॉजिटिव है, यहाँ माइनस टू और इसके बीच में आप माइनस वन भी पुट करते, यहाँ आपने माइनस वन पुट किया तब भी ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव, और यहाँ पर पुट किया ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये नेगेटिव बनता है। दोबारा से अगर जीरो और थ्री के बीच में पुट करें, जीरो और थ्री के बीच में वन भी होता है, आप वन पुट करें, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो ये वन पुट करें तो नेगेटिव, यहाँ वन पुट करें पॉजिटिव, यानी कि दोबारा फिर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें डिक्रीजिंग है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नेगेटिव आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा एन माइनस टू से थ्री, इस पे ये डिक्रीजिंग है। अब थ्री टू इन्फिनिटी पे बिलोंग करता हो, जब व्हेन एक्स बिलोंग टू थ्री टू इन्फिनिटी, तो साइन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ लिख देना, साइन ऑफ डेरिवेटिव सिक्स था वो पॉजिटिव ही है, और मैं यहीं पर हर बार पुट करता हूँ, इसमें नोट करें, तो इसमें ये थ्री टू इन्फिनिटी है, फोर पुट करें, फोर अगर फोर पुट करें, फोर में इस तरीके ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव ही रह गया, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन इंटरवल या इन इंटरवल थ्री टू इन्फिनिटी, यानी कि थ्री टू इन्फिनिटी पे, और एक हमारा शुरू में फर्स्ट इंटरवल पर भी इंक्रीजिंग हुआ था, दो पे इंक्रीजिंग है और एक पर डिक्रीजिंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में है।